Hey guys, welcome back to my channel Chatori Tinu. And आज मैं अपनी बेटी की डिमांड पे, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग है, उसे केक खाना है. तो फिर एक इजी सोल्यूशन निकाला कि चलो ठीक है, मक केक बहुत ही ट्रेंडी है बहुत टाइम पहले से, तो वही बना के देती हूँ. तो जब बनाना ही है तो रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ. तो मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ, आप बताना आपको कैसा लगा. इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, जो नॉर्मली केक में पड़ता है वही हमें चाहिए. हमें चाहिए मैदा, ये मैंने शुगर का पाउडर बना के रखा हुआ है, कोको पाउडर, फ्रेश क्रीम अगर है तो ठीक, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप मलाई यूज़ कर सकते हो फ्रेश वाली, एंड वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा तो ज़रूरी ही है. एंड मैं ऑयल यूज़ करूँगी. बटर मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा चॉकलेट लिक्विड बनाना है ऊपर से पोर करने के लिए. तो एंड मिल्क ऑफकोर्स, तो इससे बनेगा ये एगलेस है. तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं. हमें चाहिए ये मग जिसमें मैं बनाऊंगी ये कपकेक. तो इंग्रेडिएंट्स लेते हैं. यहाँ पे हम लेंगे ये 4 स्पून मैदा. आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग ही लेना जितना बड़ा आपका मग हो, ठीक है. तो ये 4 स्पून मैदा, 4 स्पून ही ये शुगर पाउडर रहेगा आपका. 3 to 4 स्पून मैंने तो 4 स्पून यहाँ पे शुगर यूज़ किया है. आप 3 स्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यूज़ कर सकते हो. एंड अब हम इसमें यूज़ करेंगे. एंड वन थिंग मोर, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हो, फिर आपको शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 स्पून ऑफ कोको पाउडर. तो यहाँ पे मैंने ये ओपन किया, एंड 2 स्पून ऑफ कोको पाउडर. इसे यहाँ पे हम लेंगे बेकिंग पाउडर, लाइक 2 पिंच हमें चाहिए सर बेकिंग पाउडर, ठीक है. एंड 1/2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. ठीक है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. इसे हम एक प्रॉपर मिक्स देंगे जो कि मैं इस फोक के थ्रू लूँगी. तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. तो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है. अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क एंड दस फ्रेश क्रीम. फ्रेश क्रीम हमें चाहिए 1.5 टेबलस्पून. तो पहले मैं वो डालती हूँ, फिर उसके बाद 4 स्पून ऑफ मिल्क. अकॉर्डिंग टू लाइक आपको जितना ड्राई लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे मिल्क यूज़ कर सकते हो, बट आई बिलीव इतने में बहुत परफेक्ट टेक्सचर बन जाएगा. तो अभी हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं. यहाँ पे मैंने ये 1 स्पून ऑफ फ्रेश क्रीम लिया एंड 1/2 स्पून और डालती हूँ. तो ये 1/2 स्पून और डाल रही हूँ. तो ये है मेरा फ्रेश क्रीम जो मैं यूज़ कर रही हूँ. अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क. तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम मिल्क, 1, 2, 3 एंड 4. अब इसे मिक्स करेंगे. ये इंग्रेडिएंट हमारा ड्राई हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 स्पून और मिल्क ऐड करेंगे. यहाँ पे मिल्क हम स्लोली इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि वो लम्स ना बने ना. तो यहाँ पे ये बैटर रेडी तो है बट मुझे थोड़ा थिक ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 1 स्पून ऑफ मिल्क और यूज़ करूँगी. एंड अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे एंड बैटर फिर हमारा रेडी हो जाएगा. आप देख सकते हो ये बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है. अब इसमें हम ये वनीला एसेंस थोड़ा ऐड कर देते हैं ताकि वो सारे टेस्ट को बैलेंस कर सके एंड एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके, ठीक है. तो यहाँ पे मैं ये वनीला एसेंस इसमें ऐड कर रही हूँ, देन मिक्स करते हैं. गाइस, मैं सीरियसली भूल रही थी ऑयल. तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड कर रही हूँ. ऐसे मिक्स कर रही हूँ. प्लीज़ आप ऐसा ऑयल यूज़ करो ना जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, ठीक है. तो उससे फिर इसमें कोई टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, बटर नहीं यूज़ कर रही हूँ. आपको बटर घी जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो, बट आई बिलीव मैं जितने भी केक्स वगैरह बनाती हूँ वो रिफाइंड ऑयल में, उसके टेक्सचर बड़े अमेजिंग होते हैं. तो फाइनली यहाँ पे बैटर रेडी है एंड मैंने इस कप को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है. एंड मैं इस
मैं इसे अपोर कर देती हूँ, देन हम माइक्रोवेव करेंगे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में हमारा केक रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने ये बैटर को इसमें डाल दिया है मग में, एंड ये चॉकलेट की दो मैंने ये बाई क्यूब ली हुई है, एंड मैं इसको इसमें पोर कर दे रही हूँ, इसमें डाल दे रही हूँ मिड में, बिल्कुल सेंटर में, एंड इसे अच्छे से हाइड कर दे रही हूँ, बिकॉज ये निया मैडम के लिए है तो फिर उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज मिल जाएगा। तो अब मैं इसे माइक्रोवेव में रखती हूँ, तो अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ मिड में बिल्कुल, एंड ऐसे बंद किया, एंड मेरा केक बन के रेडी होने वाला है, जो मैंने मग केक डाला है मग केक बनने के लिए, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हो ये बिल्कुल कितना फ्लफी हो गया है, बेस कितना नीचे था, अभी ये बिल्कुल फ्लफी हो चुका है। मैं आपको इसे स्पून से निकाल के भी दिखाऊंगी, अभी मैं इसके ऊपर पोर करने के लिए चॉकलेट सिरप बनाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो मुझे बहुत थोड़ा सा चॉकलेट सिरप बनाना है, तो मैंने ये थोड़ा सा बटर लिया है, इसे मैं माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकेंड में, तो ये यहाँ पर मेल्ट हो गया है। इसमें मैं ये देर करके चॉकलेट डालूँगी, ये बटर बहुत हॉट है ना, तो इसलिए आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये आराम से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, मैंने हाफ टी स्पून कोको पाउडर डाला है, आप देख सकते हो चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर पोर कर दिया। आप चाहो तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हो थिक होने के लिए, तो मैंने इस पर पोर कर दिया है, और मैं इसे आराम से आप इसे इंजॉय कर सकते हो, इसके ऊपर आइसक्रीम भी रख के आप इंजॉय कर सकते हो, और ऐसे तो ऐसे भी कट करके खिला के देखती हूँ, देख सकते हो ये कितना फ्लफी बना, तो ये दिख रहे हैं, ये बहुत ही परफेक्ट बना है, और ये 2 मिनट में मक्की बन के रेडी हो गया, और क्या चाहिए। तो ऐसे मेरी डॉटर भी खुश हो जाती है, खाना भी ये टेस्टी लगता है, तो हमने खा लेंगे। तो आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मैं आपको नीचे थोड़ी देर रखूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी, बाय।